होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम जा रहे हैं महाबगढ़। महाबगढ़ में एक प्लेस है ट्विन रिजॉर्ट्स, सो दे कॉन्टेक्टेड अस और दे वॉन्ट अस टू शूट। और आज का लाइनअप कुछ ऐसा है कि रोहन इज राइडिंग इज रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक। आज हमें प्रद्युमन ने भी ज्वाइन करा है एंड ही विल बी राइडिंग हिज रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। एक्साइटेड? या बॉय। एंड आई विल बी राइडिंग माई ड्यूक 250। सो लेट्स गेट ऑन द बाइक। तो जिस जगह आज हम जा रहे हैं ये अराउंड यहाँ से देहरादून से है 110 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून। रिजॉर्ट वी आर गोइंग टूडे इज ट्विन रिजॉर्ट। दे कॉन्टेक्टेड अस एंड दे वॉन्टेड अस टू शूट फॉर देम। अभी फर्स्ट टाइम है और उन्होंने मुझे पिक्चर्स ही भेजी हैं, बस मतलब व्हाट्सएप पे वीडियोस एंड पिक्चर्स की जगह, तो आपके साथ शेयर करी जाए। सो मैंने सोचा क्यों ना ये लोकेशन आपके साथ भी शेयर करी जाए। बाकी इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स और अभी हो रहा है टाइम अराउंड 1:40, क्योंकि 110 किलोमीटर से और पूरा हिली एरिया होगा आगे, क्योंकि हमें नीलकंठ ब्रिज से होते हुए जाना है। सो वी हैव टू टेक राइट फ्रॉम हेयर। अभी लेफ्ट वाला रास्ता जाता है टिहरी के लिए। आज ट्रैफिक ठीक ठाक हो रखा है यार, एज यू कैन सी। बाकी रोड की कंडीशन तो बहुत बढ़िया कर दी है, मतलब पहले से तो कहीं ज़्यादा सही है। अभी हमें ऋषिकेश बाईपास किया था नटराज चौक से, तो सिटी में जाने का कोई मतलब तो था नहीं, सो हमने सोचा कि बाईपास से चलेंगे, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक काफ़ी रहता है अंदर की साइड और बाहर बाहर से निकलना थोड़ा सही रहता है, क्योंकि हमें हम पे क्योंकि टाइम इशू भी है, क्योंकि हमें वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँचना था। और ये रास्ता आगे जुड़ेगा मेन रोड पर, जो ऑल वेदर रोड है उस पर जुड़ेगा आगे, बट उसमें हमें थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर हमें नीलकंठ वाले ब्रिज को क्रॉस करना है एंड देन वी कैन कंटिन्यू ऑन महाबगढ़ रोड। तो हम मेन रोड पे ज्वाइन हो गए हैं, नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन दिस रोड। बाकी प्रद्युमन के लिए रुकते हैं पहले, क्योंकि प्रद्युमन के इस रास्ते का पता है नहीं, तो प्रद्युमन को थोड़ा, क्योंकि प्रद्युमन का फर्स्ट टाइम है तो उसका रास्ता पता है नहीं। ठीक है चल। तो राफ्टिंग शायद लॉकडाउन के बाद दोबारा स्टार्ट हो गई है। सारे बाहर के नंबर है तो शायद इनकी टेस्टिंग हो रही है, आई थिंक। बाकी उत्तराखंड वालों के लिए नहीं, आई थिंक बाहर के नंबर है ना सारे, DL, HR, UP, इसलिए। तो हमें यहाँ से राइट लेना है नीचे के लिए, क्योंकि हमें नीलकंठ ब्रिज क्रॉस करना है। भाई साहब इंडिकेटर नहीं देख रहे क्या? राफ्टिंग हो रही है नीचे, बहुत ही एडवेंचर हो रहा है आजकल, क्योंकि अब हर चीज़ ही ओपन हो गई है कोविड के बाद, विच इज़ गुड। और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, बस आई होप कि यहाँ पे हमारे लिए चेकिंग ना हो रही हो, बस बिकॉज वी आर लोकल्स आई थिंक।
ऐसी रोड पे राइड करना काफ़ी अच्छा लगता है जहाँ पे आप ऐसे रोड पे चल रहे हैं और लेफ्ट साइड में रिवर बह रही है। दिस इज गंगा रिवर, आप मेरी लेफ्ट साइड में देख रहे हो, लोग भी जा रहे हैं नीचे आई थिंक वहाँ पे। आई होप कि हम टाइम से पहुँच जाएँ, अंधेरा होने से पहले तो सही रहेगा क्योंकि रात में ट्रैवल करने में थोड़ी दिक्कत होती है पहाड़ों में, कि पहाड़ों में सेफ नहीं रहता रात के टाइम ट्रैवल करना। और यहाँ टूरिस्ट काफ़ी खुश हो जाते हैं कैमरा देख के आई थिंक। ये देखो ये वाटरफॉल अ सॉर्ट ऑफ। अब टूरिस्ट वापस आने लग गए इधर की साइड, बिकॉज इधर की साइड काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं और वाटरफॉल्स भी हैं। इस टाइम कोविड चल रहा था उस टाइम तो बन ही रहा, इधर कुछ था ही नहीं ट्रैफिक ऐसे कर, और दिख ही रहा होगा आपको कि ट्रैफिक कितना हो रहा था, इधर लोग घूमने आ रहे हैं। प्रतिमन इज सुपर एक्साइटेड क्योंकि वो पहले कभी नहीं आया इधर, बाकी इस रोड पे हमें पहले आया हूँ। तो अभी हम जिस रोड पे जा रहे थे यहाँ पे विनीत का गांव भी पड़ता है और ऊपर है शायद विनीत का घर। विनीत वीडियो देख रहा है तो कमेंट कर। ये देखो रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट नहीं इधर सारे, क्योंकि ये ऑफ बीट डेस्टिनेशंस होती हैं जो वो काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है। सिटी के रश के बाहर तो अच्छा ही रहता है, मतलब भीड़ भाड़ थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग हो तो लोगों को काफ़ी पीसफुल भी लगता है। बाकी ये ऋषिकेश के भी नज़दीक है तो टूरिस्ट आते रहते हैं इधर। ये देखो इधर भी हैं टेंट्स वगैरह लग रहे हैं, आई थिंक कैंप्स वगैरह हैं यहाँ पे भी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं नीलकंठ टेंपल रोड पे, फिर हमें 5 किलोमीटर्स के बाद जो एक टर्न आया था वहाँ से ऊपर वाले टर्न पे कंटिन्यू करना है। बिकॉज़ हमारी बात हुई थी रिजॉर्ट वालों से तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट करा कि आप उसी रोड पर कंटिन्यू करो और ये जो गुमखाना वाली रोड है इस पर मत जाओ, क्योंकि रास्ता यहाँ से भी है बट यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, अराउंड 97 किलोमीटर्स और जाना पड़ेगा। बट अगर उसी रोड पर कंटिन्यू करते हैं तो इट्स लाइक वी हैव टू कवर ओनली 67 किलोमीटर्स, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम रात के टाइम ट्रैवल करें क्योंकि हिली एरियाज में रात के टाइम ट्रैवल करना बहुत रिस्की हो जाता है, तो इसलिए हम अब वापस जा रहे हैं। ये रहा वो कट जहाँ से हमें ऊपर ही कंटिन्यू करना था, तो मेक श्योर अगर आप इधर आ रहे हैं तो ऊपर वाली रोड पर कंटिन्यू करना, नीचे मत जाना, हमारा टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी नीचे, रोड भी ख़राब थी। इस रोड पर कंटिन्यू करता है, यहाँ से दिखा रहा है 60 किलोमीटर्स लेफ्ट अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, बाकी देखते हैं। लेट तो हो ही जाएगी, 5 तो बज चुके हैं, लेट तो हो ही जाएगी आई थिंक। गूगल मैप दिखा रहा है 2 आवर्स से मैंने 2 आवर्स 13 मिनट्स। अभी हम काफ़ी हाइट पे हैं ऊपर और सनसेट भी होने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वाह बड़े लोकेशन, क्या ही लोकेशन है ये, लोकेशन रिजॉर्ट की लोकेशन के सिमिलर है क्योंकि जो उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी थी उसमें रिजॉर्ट काफ़ी हाइट पे था और ऐसा वो कह रहे थे कि हरिद्वार कोटद्वार और ऋषिकेश दिखता है, मतलब वहाँ से तो आई गेस काफ़ी हाइट पे होगी वो जगह। तो 40 किलोमीटर्स रह रखा है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है और लोकेशन देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ देखो सनसेट का टाइम हो गया और यहाँ पे 40 किलोमीटर्स रह रखा है बस ऐसे अब, तो हमने सोचा एक ब्रेक लेते हैं। और सब जगह मतलब जितने भी आपको ये हिल टॉप दिख रहे हैं सब के ऊपर मंदिर है, इस वाले पे भी उस वाले पे भी ऐसे भी, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा व्यू। आज हमें लेट हो रही है तो शायद यहाँ पे एरियल शॉट नहीं आ पाएंगे बट काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, ऊपर चांद भी दिख रहा है और नीचे पूरी वैली वैली। अब कंटिन्यू करते हैं आगे क्योंकि ठंडा भी हो रहा है इधर, काफ़ी हाइट पे है जगह।
तो यहाँ पे हमने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी, अब कंटिन्यू करेंगे आगे। काफ़ी अच्छी फ़ोटोज आ रही थी वहाँ पे, लोकेशन बड़ी अच्छी थी। बाकी आई गेस आगे भी प्यारी प्यारी लोकेशंस होंगी। इट्स 5:15 नाउ और हमें यहाँ से अभी 30 किलोमीटर्स और कवर करना है और सनसेट हो रहा है सामने, देखो कितना प्यारा लग रहा है। आई होप GoPro में सही से दिख रहा हो। 8:06 PM नाउ और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत कंजस्टेड है पहाड़ों में, ज़्यादा वैसी रोड्स होती हैं नहीं, तो धीरे धीरे चल रहा है। अभी 20 किलोमीटर्स रह रहा है, तो आई थिंक 1 घंटा और लगेगा अभी। तो यहाँ से अभी 1 घंटा और मान के चलो, हल्के चल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, तो और ऊपर से विंटर सीज़न है, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सब हमें राइट लेना है ट्विन वैली रिजॉर्ट महाबगढ़, तो अभी हमें 7 किलोमीटर्स और जाना है। चलो प्रतिमन, रोड की कंडीशन ठीक थी, अगर ख़राब होती तो और ज़्यादा टाइम लगता, बट रोड की कंडीशन ठीक थी तो जल्दी जल्दी कवर कर लिया हमने। बाकी पहुँचते हैं जल्दी ट्विन वैली रिजॉर्ट। तो फाइनली लोकेशन पे तो हम पहुँच गए हैं, बाकी जो ओनर हैं वो ऊपर से आ रहे हैं भैया, GoPro में तो शायद नहीं दिख रही होगी लाइट, तो पिक करने आ रहे हैं मैं नीचे। बाकी लोकेशन यहाँ पे इधर की साइड। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं आज। बाकी कल सुबह काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार भी दिखता है काफ़ी हाइट पर क्योंकि है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो तब तक के लिए बी सेफ एंड राइड सेफ, गुड नाइट। Oh my god.